हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर एट क्वाड्रिलेटरल, या चैप्टर एट क्वाड्रिलेटरल का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर एट के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो चैप्टर का नेम है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्लोज पॉलीगन होता है। ऐसा क्लोज पॉलीगन होता है जिसमें क्या होती है, फोर साइड होती हैं, फोर एंगल होते हैं एंड फोर वर्टेक्स होते हैं। मतलब कोई भी क्लोज पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज फिगर, और एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें फोर साइड हो और फोर एंगल हो। एंगल कौन से, ये एंगल हो और फोर वर्टेक्स हो इनके, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसमें क्या होती हो, फोर एंगल, फोर साइड, फोर वर्टेक्स होते हो, इस क्लोज फिगर को ही हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, कि जो इसके सभी एंगल होते हैं, इन सभी एंगल का जो सम होता है वह होता है 360 डिग्री। मतलब अगर आप एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, इन सभी को अगर एक साथ ऐड करेंगे तो इनका जो सम होगा वह आएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो जान गए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर होता है जो फोर साइड, फोर एंगल और फोर वर्टेक्स से मिलके बना होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि भाई क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसके बहुत से टाइप होते हैं। पहला जैसे पैरेललोग्राम, इसके बाद आपका नंबर आता है रेक्टेंगल, इसके बाद हम देखेंगे रोम्बस, रोम्बस के बाद हम बात करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हम बात करेंगे काइट, और लास्ट में हम बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो ये सभी क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ये पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है। मतलब इसमें भी आपको फोर साइड मिलेंगे, फोर एंगल मिलेंगे और फोर वर्टेक्स मिलेंगे। बस क्या होगा, इस फिगर का है, जो भी ये क्लोज फिगर होगा इसकी कुछ प्रॉपर्टी अलग होंगी, जिसकी वजह से इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो भाई जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो ये भी क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बोले तो, जैसे आपने ये एक बनाया क्वाड्रिलेटरल, अभी हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, और इस की जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड के जो सामने वाली साइड होती है, इसी को हम बोलते हैं कि भाई इस ए बी के अपोजिट ये साइड है। तो भाई ए बी के जो अपोजिट साइड है, ये दोनों साइड जो होंगी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और बी सी, एक दूसरा हम देखते हैं, बी सी एक साइड है, इस बी सी के, अब भाई इसके जो सामने वाली साइड होगी, इसके सामने वाली साइड है ए और डी, ये जो ए डी साइड है ये इसके आमने सामने है। तो भाई बी सी के जो अपोजिट साइड हो जाएगी वह हो जाएगी ए डी, और ये भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो भाई कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हो, इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके अपोजिट एंगल, मतलब जो एक दूसरे के सामने हो, आमने सामने, इन एंगल को हम बोलते हैं अपोजिट एंगल। जैसे ए के अपोजिट सी और बी के अपोजिट हो गया डी, तो भाई इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देख लीजिए यहां पर गिवन भी है कि अ क्वाड्रिलेटरल विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
पैरेलल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिनकी पेयर जो होते हैं, मतलब ये अपोजिट पेयर होते हैं, ये क्या होते हो, पैरेलल होते हो। पहली कंडीशन तो ये कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट पेयर क्या होते हो, पैरेलल होते हो। पैरेलल मतलब कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी मीट ना करती हो, तो एक इधर से हो और दूसरा इधर से हो। तो इस ये जो क्लोज फिगर हमें मिलेगा, यह मिलेगा एक पैरेललोग्राम। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमने अभी बताया है कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थर्ड क्या होता है, इनके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हमने देखा कि क्या पहली प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड इक्वल, मतलब ए बी जो साइड है यह इक्वल हो जाएगी सी डी के। तो ए बी साइड पहली कंडीशन के हिसाब से हम अगर देखें तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी। ए बी और सी डी क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे और ये हो जाएंगे इक्वल। वैसे ही बी सी के जो अपोजिट होगा वह हो जाएगा ए डी, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो भाई ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के। तो पहली कंडीशन ये होती है कि इनके अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट एंगल सी है, तो एंगल ए जो होता है वह इक्वल होता है एंगल सी के। और दूसरा, एंगल बी के अपोजिट होता है एंगल डी, तो बी एंगल जो होता है वह डी के इक्वल होता है। तो भाई ये कंडीशन हो गई। थर्ड हम देखते हैं कि जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। तो भाई एक डायगोनल, डायगोनल हमेशा अपोजिट वर्टेक्स को मिला के बनता है। ए को आप सी से मिला दो और बी को डी से मिला दो, तो मिलाएंगे उसके बाद जो डायगोनल जहां पर ये इंटरसेक्ट करता हो, ये एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि भाई बी ओ जो साइड होगी या ओ डी के इक्वल होगी, और जो ए ओ साइड होगी या इक्वल हो जाएगा ओ सी के। तो हम जान लिए पैरेललोग्राम क्या होता है, कि ऐसा क्लोज फिगर, पहला तो क्वाड्रिलेटरल हो, और उसके ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट जो साइड हो, उनका जो पेयर हो वह क्या हो, पैरेललोग्राम हो, सॉरी पैरेलल हो। जब ये पैरेलल हो जाता है तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। जब ये पैरेललोग्राम होंगे तो इनकी ये कंडीशन होंगी। कौन सी कंडीशन, पहली अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो भाई जो सेकेंड नंबर पे हम देख रहे हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है, एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। बस कंडीशन क्या होती है कि इसका जो एंगल होते हैं, सारे एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पैरेललोग्राम में पढ़ी है, टोटल कंडीशन रेक्टेंगल में भी होती है। बस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक डिफरेंस होता है कि इसके सभी एंगल जो होते हैं वह होते हैं 90 डिग्री के। अगर किसी पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगल नाम दे देंगे। तो भाई यहाँ पर ए बी सी डी एक क्या है, रेक्टेंगल है। रीजन क्या है, यह भी पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसके ईच एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती, पहली जो हमने अभी बताया कि ये सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है, सारी की सारी इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में बताया था कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और साथ में क्या इक्वल होते हैं, उनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ईच एंगल इज राइट एंगल। दूसरी बात ये, इसका सभी एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होती। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो ये होती है कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये जो डायगोनल ए से हम सी को ज्वाइन करें या बी से हम डी को ज्वाइन करें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
मतलब AC जो होगा वह इक्वल हो जाएगा BD के। डायगनल इनके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगनल इक्वल नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक ये डिफरेंस होता है डायगनल्स इक्वल का, दूसरा होता है एंगल का डिफरेंस होता है। इसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चलिए इसके बाद हम जानते हैं रोम्बस के बारे में कि भाई रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि यह एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। जैसे पैरेललोग्राम था उसमें कंडीशन थी कि भाई उसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम मतलब ऐसा फिगर या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं रोम्बस। मतलब रोम्बस एक टाइप का टिल्ड स्क्वायर होता है। तो कह सकते हैं कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है एक पैरेललोग्राम की जैसी होती है, बस यहां डिफरेंस क्या होता है इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। मतलब AB BC के इक्वल, BC CD और CD DA के इक्वल होता है। और प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है सारी इसकी होती है। दूसरा कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी चेंज बदल जाती है रोम्बस की कि भाई इसके जो डायगनल होते हैं जैसे ए और सी को हम मिला दें और बी से डी को मिला दें। पैरेललोग्राम में क्या था कि डायगनल बाइसेक्ट करते थे, लेकिन यहां पर एक शब्द और बदल गया कि भाई इनके साथ में क्या होते हैं ये परपेंडिकुलर भी होते हैं। मतलब इनके बीच का जो एंगल होता है डायगनल के बीच का ये होता है 90 डिग्री का। बस एक यही डिफरेंस होता है इनके बीच में कि इनके डायगनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये दोनों डायगनल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर बोले तो मतलब इनके बीच का जो एंगल है वह हो जाता है 90 डिग्री का। बाकी जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं पैरेललोग्राम की सारी इसमें भी सेटिस्फाई करेंगे। बस इसकी सभी साइड क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो भाई स्क्वायर जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा पैरेललोग्राम, वह उस पैरेललोग्राम के अगर एक एंगल को हम 90 डिग्री के इक्वल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। उसके बाद हमने पढ़ा रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या होता है? इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसी रोम्बस का अगर एक एंगल हम 90 डिग्री के कर दें, या कह सकते हैं कि सभी एंगल 90 डिग्री के कर दें, तो भैया ये जो रोम्बस होगा ये एक सीधा फिगर बनाएगा, स्ट्रेट फिगर बनाएगा, और ये जो फिगर मिलेगा हमें यह एक स्क्वायर नाम होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर क्या होता है? इसकी ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल, या हम और एंगल जो होते हैं इनके सभी जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो प्रॉपर्टी में देखेंगे तो यहाँ लिखा है ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, मतलब इसकी सभी जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। रोम्बस से क्या क्या मिलता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं साथ में इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल से हमें क्या मिलता है कि रेक्टेंगल की सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो भाई कोई भी रोम्बस जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे वह क्या हो जाएगा? आपका एक स्क्वायर शेप का हो जाएगा। या हम एक चीज और भी डिफरेंस कह सकते हैं कि रोम्बस और स्क्वायर में एक डिफरेंस यह होता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं AC और BD ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में एक दूसरा डिफरेंस ये भी होता है, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वह इक्वल भी होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला फिगर काइट के बारे में। भाई काइट क्या होता है? काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल
कंजकेटिव साइड, मतलब कंजकेटिव साइड मतलब एक के बाद जो दूसरी साइड आती हो, जैसे एक हमने फिगर बना दिया ऐसे ऐसे, तो भाई इसके कंजकेटिव साइड ये और इसके कंजकेटिव ये साइड, तो ये दो पेयर जो कंजकेटिव साइड का बनता है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दो कंजकेटिव जो साइड होती हैं ये आपस में क्या होती हूँ, इक्वल होती हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। तो काइट एक ऐसा फिगर होता है जहां पर ए बी जो होता है वह इक्वल होता है ए डी के, और जो बी सी होता है या इक्वल होता है सी डी के। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो कंजकेटिव पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं काइट। और इनके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, मतलब अगर एक हम डायगोनल इधर मिलाएं दूसरा डायगोनल इधर बनाएं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अदर, एक जो जो इनके डायगोनल होता है इसका जो ये डायगोनल होता है इस डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तीसरा क्या है, ए बी सी डी काइट, एंगल बी जो होगा वह एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल डी जो होंगे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन सी डज नॉट इक्वल टू डी, ये सी वाला जो एंगल होता है यह डी के इक्वल नहीं होता है, ये अलग होता है, मतलब सी और डी, सी और ए एंगल इक्वल नहीं होते हैं, बी और डी एंगल इक्वल होते हैं। तो भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो कंजकेटिव टर्म जो होते हैं इक्वल होते हों, उनके डायगोनल क्या करते हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और इनके जो एंगल बी हो एंगल डी के इक्वल हो और एंगल ए और सी इक्वल ना हो, ऐसे फिगर को ही हम बोलते हैं काइट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। तो भाई ट्रेपेजियम तो एकदम सिंपल सा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक अपोजिट पेयर क्या होता हो, पैरेलल होता हो। तो ट्रेपेजियम होने के लिए बस एक ही कंडीशन होती है कि भाई दो सॉरी एक अपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल हो, इक्वल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अगर हम कोई ऐसा एक फिगर बनाते हैं जहां पर ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है, अगर ए बी पैरेलल हो जाता है, एक पेयर जो है वो पैरेलल हो जाता है अपोजिट पेयर के, तो भाई ये जो होगा ये जो क्लोज फिगर होगा इसी को हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। इस तरह हम जान लिए हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो इस पार्ट में इतना ही, इसके बाद दूसरा पार्ट जो बेसिक इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे थ्योरम को और उसके बाद देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को। तब तक के लिए धन्यवाद।